हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम एक बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग समोसा हम बनाने वाले हैं। तो गोभी के समोसे हम बनाएंगे। तो इसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों हम यूज़ करेंगे, और उसी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टफिंग या फिलिंग हम तैयार करेंगे, और उसी से ही हम समोसों को स्टफ़ करेंगे। तो चलिए गोभी के समोसे बनाने का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समोसे का डो हमें तैयार करना है। तो बिल्कुल जैसे कचौरी या समोसे का डो हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैदा ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिर हम इसमें डालेंगे मेल्टेड घी या तेल, और इसे अच्छी तरह से मैदे में हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन और काला जीरा वो भी हम इसमें डालेंगे, और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब मैदा और घी या घी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक टाइट डो गूंथ लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखने की दो बातें हैं। जो तेल या घी है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए, इसी से ही हमारा जो समोसा है वो एकदम क्रिस्प करारा बनेगा। दूसरी बात, आप इसमें ढेर सारा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करते जाएं ज़रूरत के हिसाब से, और इसका एक टाइट डो हमें गूंथ लेना है। तो जब हमारा डो एक साथ आ जाए, फिर हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम जो फिलिंग है इसकी, गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों की, वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, धनिया और सौंफ, थोड़ा सा उसे क्रैकल होने देंगे, थोड़ी सी हींग और चॉप्ड अदरक और हरी मिर्चें, और इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर हम स्टर कर लेंगे, क्रैकल होने देंगे ताकि अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ कर लें। थोड़ी देर सभी चीज़ों को स्टर फ्राई करने के बाद, फिर हम इसमें जो कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स हैं, गोभी के छोटे छोटे टुकड़े, वो हम इसमें डालेंगे। तो गोभी को आप सबसे पहले अच्छी तरह से धो लें, इनके छोटे छोटे फ्लोरेट्स आप निकाल लें, और इसे हल्दी के पानी में थोड़ी देर सोक करके रखें 10 से 15 मिनट, और उन्हीं फ्लोरेट्स को हम इसमें डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हम सभी चीज़ों के साथ मिलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। फिर हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे, बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक। तो सभी चीज़ें, जो मसाले हमने इसमें डाले हैं, उसे अच्छी तरह से इन गोभी के ऊपर इनमें कोट करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे लगभग 7 से 10 मिनट। 7 से 10 मिनट इसे कुक होने देने के बाद, फिर हम इसमें जो पत्ता गोभी है, फाइनली चॉप पत्ता गोभी, वो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि हमने पत्ता गोभी को थोड़ा सा देर में डाला, थोड़ा सा बाद में डाला, क्योंकि फूल गोभी और पत्ता गोभी, उन दोनों का कुकिंग टाइम जो है वो अलग अलग है। फूल गोभी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली पत्ता गोभी या कैबेज। कैबेज जल्दी पक जाता है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले फूल गोभी को डाला, उसे पका लिया ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हमने इसमें पत्ता गोभी डाला ताकि दोनों एक ही साथ कुक हो जाए। तो दोनों चीज़ों को मिलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से फिर से 7 से 10 मिनट और हम इसे कुक करेंगे ढककर। तो दोस्तों, 7 से 10 मिनट बाद हमारा जो गोभी का जो मसालेदार स्टफिंग है वो एकदम बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसके आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लें, 3 से 4 मिनट कुक कर लें, नहीं तो आप गरम मसाला जो है उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब हम इसे गैस पर से उतार लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो गोभी का जो स्टफिंग है वो तैयार है, ठंडा हो चुका है, और डो भी है वो 15 से 20 मिनट हमने इसे रेस्ट कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को असेंबल करेंगे।
तो इसके लिए आप जो समोसे का जो डो है उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें, पेड़े बना लें, और उसे फ्लैट एक रोलिंग सरफेस के ऊपर आप बेल लें एक सर्कुलर शेप में, जैसे हम चपाती रोटी वो बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। फिर हम इसे हाफ्स में काट लेंगे, सेमी सर्कुलर पीसेस में। फिर हम एक पीस लेकर उसे एक कोन की शेप में हम इसे रोल कर लेंगे। नीचे से आप इसे पिंच कर लें, इसे बंद कर लें ताकि फिलिंग जब आप इसमें भरेंगे वो नीचे गिरे नहीं। फिर हम ऊपर से थोड़ी सी जगह रखते हुए हम इसमें जो गोभी की स्टफिंग है वो हम इसमें भर लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी जगह रखें और फिर आप इसके ऊपर एजेस में मैदे और पानी का एक गाढ़ा घोल बनाकर वो लगा लें, नहीं तो सिंपल पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैदा और पानी का गाढ़ा घोल लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये सील होकर रहेगा, बंद होगा, और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, नहीं तो तेल अंदर चला जाएगा और हमारी स्टफिंग वो जल जाएगी। तो मैदे और पानी का घोल आप लगा लें और इसे ऊपर से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से आप इसे पिंच करते हुए इसे आप बंद कर लें, इसे सील कर लें। तो हमारा समोसा गोभी का वो फ्राई होने के लिए तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के समोसे वो भी आप तैयार कर लें। तो दोस्तों अब हम इन समोसों को ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आप एक कढ़ाई में तेल ले लें और उसे हल्का सा गर्म होने दें। गैस का फ्लेम आप मीडियम पर रखें, गैस का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसमें एक एक करके जो समोसे हमने तैयार किए हैं वो हम इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे मिनट बाय मिनट बेसिस पे हमें इसे पलटते रहना है। और जब ये दोनों साइड से इवनली गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लें और एकदम क्रिस्प ना हो जाए तब तक हमें इन्हें पलटते हुए रेगुलर इंटरवल्स पे हमें इन्हें फ्राई करना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं, लो और मीडियम फ्लेम के बीच में थोड़ा सा ये मीडियम के साइड होना चाहिए और धीरे धीरे ये कलर पकड़ेगा दोनों साइड से और ये प्रोमिनेंट होता जाएगा। तो जब ये एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ ले और चम्मच से या करछी से जब आप इसे इसमें मारेंगे तो एकदम क्रिस्प साउंड आएगा, तब हमारा गोभी का समोसा एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे ध्यान से ऑयल में से बाहर निकाल लें। तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है तो इंजरी हो सकती है। तो ध्यान से आपको समोसे जो हैं वो एक एक करके आप निकाल लें। तो दोस्तों हमारे गोभी के समोसे एकदम बनकर रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे गोभी के समोसे एकदम बनकर रेडी हो गए हैं, टेस्टी, डिलिशियस, क्रिस्प। तो इसे आप अपनी मनपसंद सॉस या चटनी के साथ आप इसे सर्व करें और इसका इसे आप इंजॉय करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।